नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास बारात और मैं आपके साथ प्रेमराज जी। अभी हम खड़े पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे, और यहाँ पे आप देख, कुछ देर पहले बीजेपी के लोग आए थे और यहाँ पे लोग जहाँ पर एनआरसी और सीएए का लोग विरोध कर रहे, पर आज यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाया गया। बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग थे यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पे आए, अभी मानव श्रृंखला बनाकर वो निकल रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोग जुटे थे और मानव श्रृंखला बताकर उन्होंने यह साबित करना चाहा कि जहाँ पे जगह जगह पे लोग एनआरसी सीएए का विरोध कर रहे हैं, पर उनका आज सपोर्ट देखने को मिला। उनका हाथ में बैनर था जिसमें लिखा हुआ था #ISupportCAA। तो तमाम कई बड़े लोग थे, कई कार्यकर्ता थे बीजेपी के, कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, तमाम लोग थे जो मानव श्रृंखला बनाकर खड़े थे। ये पूरा आपको इनकम टैक्स गोलंबर दिखा दे, यहाँ पे चारों बगल जो गोलंबर है, गोलंबर के चारों ओर पूरा लोग भरे पड़े थे और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के दिखा रहे थे कि ISupportCAA, ISupportNRC। और उनका कहना था कि जो विपक्ष के लोग हैं वो NRC और CAA को लेकर भ्रम फैला रहे, लोगों के बीच जागरूक नहीं कर रहे, लोगों के बीच वहम फैला रहे कि नागरिकता छीनने की बात है। पर उनका जो कहना था कि जो ये NRC और CAA का जो बाहर से लोग आए हैं, जो बाहर से लोग आकर इंडिया में रह रहे हैं, उनका नागरिकता देने की बात है, ना कि लेने की बात है। तो कुल मिलाकर यह बात है कि अभी काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे थे बीजेपी के, और उनका कहना था कि जो NRC और CAA का है वो सपोर्ट में है और सपोर्ट कर रहे थे। और उनका साफ तौर से एक ही चीज़ देखने को मिला कि वो काफ़ी लोग में थे और उनका कहना है कि हम लोग हैं जो NRC देने की बात कर रहे हैं, ना कि NRC लेने के लिए। तो क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के लोग जो अभी मानव श्रृंखला बना के खड़े थे, ठीक सुनिए आप इस वीडियो। माइक बुलाए, माइक पीछे नीतीश कुमार को सब ये बीजेपी का युवा मोर्चा के लोग थे जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो NRC और CAA को लेकर है उसके हम सपोर्ट में, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं, पर विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर आपने झकास भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।